सवाल नंबर एक, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? सही जवाब 136 मरतबा। सवाल नंबर दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के किस सहाबी ने सबसे पहले अजान दी? सही जवाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर तीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के साथ हिजरत के वक्त कौन सा सहाबी थे? सही जवाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर चार, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का पहला निकाह किस उम्र में हुआ? सही जवाब 25 साल। सवाल नंबर पाँच, किस महीने में कुरान नाजल हुआ? सही जवाब रमज़ान। सवाल नंबर छः, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी? सही जवाब 11। सवाल नंबर सात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने सबसे पहले किस जंग में शिरकत की? सही जवाब ग़ज़वा बदर। सवाल नंबर आठ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? सही जवाब 4। सवाल नंबर नौ, कुरान की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? सही जवाब सूरतुल कौसर। सवाल नंबर दस, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? सही जवाब 5। सवाल नंबर 11, किस नबी ने मछली के पेट में 3 दिन गुजारे? सही जवाब हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 12, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की हिजरत कहां से कहां हुई? सही जवाब मक्का से मदीना। सवाल नंबर 13, सूरतुल बकरा में कितनी आयात हैं? सही जवाब 286। सवाल नंबर 14, किस नबी की वालदा का नाम आमिना था? सही जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। सवाल नंबर 15, ज़कात की शरह क्या है? सही जवाब 2.5%।